हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355500099, 9643971000, 7650027000। कटी हुई धान की एक एकड़ फसल चोरी। तुर्कपुर गांव के एक किसान की एक एकड़ की कटी धान की फसल चोरों ने चोरी कर ली है। तुर्कपुर निवासी कप्तान ने बताया कि उसने थाना खुर्द गांव में ठेके पर जमीन ली हुई है, जिसमें उसने धान की फसल लगा रखी थी। जब उसने खेतों से धान की फसल को काट कर खेत में रखा था तो रात्रि के समय चोरों ने उसकी एक एकड़ धान की कटी हुई फसल को चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आजकल चोरों ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। खरखोदा में भी कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं, खासकर घरों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से और चोर निशाना बनाने लगे हैं। निजामपुर माजरा में भी चोर कई घरों को निशाना बना चुके हैं और पाई गांव में भी हाल ही में 2 घरों को निशाना बनाया है और खांडा में भी चोरी कर चुके हैं। खांडा में 2-3 जगह चोरी हो चुकी है। मंडोरा गाँव में भी घर में चोरी हो चुकी है। चुबारे में भी चोरी कर चुके हैं। और यही नहीं, चोरों का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि वो किसानों की फसलों को भी चोरी करने में जुट गए हैं। किडोली गांव से भी एक धान की भरी ट्राली चोरी की गई थी और इधर और भी एक मामला सामने आया है जिसमें खेतों से किसानों का धान चोरी कर लिया है, धान की फसल चोरी की है। लेकिन इस हिसाब से बात यह है कि आप अपने घर को पूरा ध्यान से रखें और हो सके तो CCTV कैमरे लगवाएं। और जो चोर हैं, हालांकि एक खरखोदा में एक चोर पकड़ा भी गया है, रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने कई वारदातों का उनसे खुलासा भी किया है, लेकिन बाकी चोर अभी पकड़ने रहते हैं, वो भी पुलिस उनको भी पकड़ लेगी। अब जैसे शादियों का सीजन चला हुआ है तो आप भी अपना ध्यान रखें और अपने घर में भी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। घर को अकेला कम से कम छोड़ें और पुलिस भी इस दिशा में काम कर रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार भी होंगे, उनसे रिकवरी भी पुलिस करेगी। भारत ने रूस में जीता विश्व चैंपियन का खिताब। सबसे ज्यादा मेडल जीतकर नंबर 1 की ट्रॉफी पर किया कब्जा। रूस के मॉस्को में 17 से 19 नवंबर तक आयोजित हुई वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत की ग्रैपलिंग टीम ने 105 मेडल जीतकर चैंपियन का खिताब हासिल किया। भारत ने 23 स्वर्ण, 30 रजत व 52 कांस्य पदक जीतकर रूस को पछाड़ते हुए नंबर 1 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। यह जानकारी देते हुए ग्रैपलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कपूर ने बताया कि ग्रैपलिंग खेल कुश्ती का ही एक भाग है। इससे पहले ग्रैपलिंग खेल पर रूस का कब्जा होता आया है, लेकिन इस बार भारत की टीम ने रूस की टीम को पीछे करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के 86 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और जोश के साथ खेल खेलकर सभी देशों की टीमों को पछाड़ते हुए चैंपियन ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाकर देश का नाम रोशन किया है। भारत से राष्ट्रीय ग्रैपलिंग टीम का नेतृत्व GCI के चेयरमैन दिनेश कपूर, बिरजू शर्मा, विनोद शर्मा, विजय सांगवान और सूरत गुजरात की कंपनी अलायंस के चेयरमैन सुभाष डावर ने किया। CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। महेंद्रगढ़ में हुई CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रताप स्कूल खरखोदा के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल सहित कुल 4 मेडल जीतकर प्रताप स्कूल खरखोदा का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में जानशु ने अंडर 19 में 56 किलोग्राम में गोल्ड, रिधुमन ने +80 में गोल्ड, अंडर 17 में हंसिका ने 60 में गोल्ड, कुणाल ने 60 में सिल्वर मेडल जीता। बॉक्सिंग कोच संदीप लक्खी ने बताया कि प्रताप स्कूल के खिलाड़ी पिछले 5 वर्ष से CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप व नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन रहे हैं। हंसिका व कुणाल इससे पहले भी नेशनल में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने बताया कि विद्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बॉक्सिंग सहित 5 खेलों का खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है व हरियाणा खेल विभाग द्वारा 7 खेलों की खेल नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं। विद्यालय के खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण व हरियाणा खेल विभाग के सहयोग से निरंतर पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। कन्या महाविद्यालय में ड्रामा क्लब के तहत मोनोलॉग प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर दर्शना दहिया की अध्यक्षता में किया गया।
ड्रामा क्लब इंचार्ज डॉक्टर सारिका ने कार्यक्रम का संयोजन किया। इस प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी रुचि के अनुरूप संवाद प्रस्तुत किए। 20 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ड्रामेटिक अंदाज में प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा तमन्ना ने पहला, बीए प्रथम वर्ष की छात्रा अंजलि ने दूसरा और बीए तृतीय वर्ष की छात्रा कुसुमलता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्राचार्या ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्राओं के अंदर छुपे हुए कलाकार को अभिव्यक्ति मिलती है। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर प्रोमिला, डॉक्टर शालिनी रही। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।